बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी किया घोषित। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया। कृष्णलाल पवार मंगलवार को नामांकन भी दाखिल करेंगे। मंगलवार को चंडीगढ़ में नामांकन दाखिल करेंगे पवार। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार है कृष्णलाल पवार। बड़ी खबर, बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, बीजेपी ने भी हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार का नाम सामने आ रहा है। लगता है रवि से हमारा संपर्क टूट चुका है। रवि, एक बार आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है कि बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है। एक बार फिर से रवि ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित कर दिया है, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया गया है। लगता है रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने हरियाणा से राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है। हरियाणा में बीजेपी ने एससी चेहरे पर दांव खेला है। कृष्णलाल पवार राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने रविवार को पवार के नाम पर मुहर लगाते हुए उन्हें राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। हालांकि हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटें खाली हुई है, लेकिन बीजेपी ने केवल एक ही उम्मीदवार घोषित कर साफ कर दिया है कि वो दूसरी सीट के लिए कोई जोर तोड़ करने के मूड में नहीं है। दूसरी सीट कांग्रेस के हिस्से में आने की संभावना बनने लगी है। कांग्रेस की ओर से, जैसा हमने आपको बताया था कि हरियाणा से अजय माकन का नाम तय किया गया है। हरियाणा में राज्यसभा की दो सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 31 मई तक राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन किया जा सकता है और 10 जून को इसके लिए चुनाव होना है। और आपको बता दें कि कृष्णलाल पवार की अगर बात करें तो मंगलवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हरियाणा में बीजेपी के पास 40, कांग्रेस के 31, जेजेपी के 10 और निर्दलीय 7 विधायक है। और नियमों के अनुसार राज्यसभा की पहली सीट जीतने के लिए 31 विधायकों की वोट चाहिए, जबकि दूसरी के लिए 30 वोट, क्योंकि बीजेपी के पास 40 विधायक है और जेजेपी के पास 10 विधायकों समेत 6 निर्दलीय विधायकों का भी भाजपा को साथ है। ऐसे में कृष्णलाल पवार का राज्यसभा में जाना लगभग तय है। बीजेपी की तरफ से एक ही सीट पर उम्मीदवार घोषित किए जाने से लगभग तय है कि दोनों सीटों के लिए चुनाव निर्विरोध होगा।